आप में से बहुत सारे लोग इस मंदिर के बारे में जानते होंगे, यहाँ पर आके आप लोगों ने दर्शन भी किया होगा। आकाशवाणी का काली मंदिर है जो काफ़ी पुराना है और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। नवरात्रि के यहाँ दोनों पक्षों में बहुत भीड़ रहती है और हर रोज़ यहाँ पे भक्तों का तांता लगा रहता है। लोग नई गाड़ियाँ लेकर आते हैं यहाँ पे पूजा करवाने के लिए। तो ये मंदिर बहुत ही खास है और एकदम बीचों बीच स्थित है और आते जाते भक्तों को यहाँ पे माता रानी के दर्शन होते रहते हैं। पुरानी प्रतिमा थी, उसमें कुछ कण निकल रहे थे, मतलब वो प्रतिमा जो है वो खंडित हो रही थी, तो इस वजह से यहाँ पे माता की नई प्रतिमा स्थापित की गई है। और आप देख सकते हैं जैसे जो पुरानी मूर्ति थी माता की, बिल्कुल हूबहू सेम वही मूर्ति, वही आकार, वही साइज, वही माता का हाव भाव, सब कुछ बिल्कुल सेम, उसी तरह दोबारा से मूर्ति को स्थापित किया गया है। तो इस मूर्ति के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो मूर्ति यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये लगभग 400 साल पुराने पत्थर से इस मूर्ति को बनाया गया है और एक ही पत्थर में इसको तराशा गया है। मूर्ति का आप वजन देख सकते हैं, 5 क्विंटल के लगभग आसपास है और इस मूर्ति को बनने में 10 महीने का समय लगा है। तो इस मूर्ति को बनाने के लिए जो उड़ीसा की टीम है उसने बहुत ही बारीकी से देखा समझा और उसके बाद इस मूर्ति का निर्माण किया है। तो मूर्ति को बनाने वाले हैं उड़ीसा के एक कलाकार हैं, मूर्तिकार हैं, जिनका नाम है ज्योति रंजन परिडा। मंदिर के सचिव ने बताया कि जब यहाँ पे नई मूर्ति की स्थापना करने की बात हो रही थी, तब उन्होंने जिन्होंने राम लला की मूर्ति का निर्माण किया है, राम लला की मूर्ति बनाई है, उनसे भी इन्होंने संपर्क किया और चाहते थे कि वो माता की मूर्ति बनाए, पर व्यस्तता के चलते और उनके पास अभी इस वजह से उन्होंने 2 साल का समय मांगा और इतना लंबा इंतज़ार नहीं हो सकता था, इसलिए यहाँ पर उड़ीसा के कलाकारों ने इस माता की मूर्ति को फिर बनाया और यहाँ पर माता की मूर्ति स्थापित की गई। और देख सकते हैं आपकी भक्तों की भीड़ यहाँ पे हमेशा लगी रहती है और ये मंदिर की खास बात है कि पूरी तरीके से मतलब बंद नहीं होता है, आप आते जाते हमेशा माता के दर्शन कर सकते हैं। हैं आप पे बस चैनल गेट लगा रहता है तो आपको आते जाते माता के दर्शन हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर प्रतिमा, बहुत ही प्यारी माता की मनमोहक प्रतिमा है। और अगर अभी तक आपने नई मूर्ति का दर्शन नहीं किया है तो आप इस वीडियो के माध्यम से माता के दर्शन कर सकते हैं, माता का आशीर्वाद ले सकते हैं। और आप जब भी अगर आप रायपुर के हैं तो ज़रूर जाइए, विजिट करिए और माता का दर्शन करिए। और अगर आप रायपुर से बाहर के हैं और कभी आपका रायपुर आना होता है तो आप इस मंदिर में आइए और माता के दर्शन करिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें अपना बहुत सारा प्यार दीजिए। थैंक यू।